पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के विदिशा से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने अपनी गर्भवती पत्नी की हालत बिगड़ते देख पहले एम्बुलेंस को बुलाया, उसमें ऑक्सीजन होने से उसे हाईजैक कर लिया। मुखर्जी नगर निवासी सुनील कुशवाहा की कोरोना पॉजिटिव और गर्भवती पत्नी आरती कुशवाहा के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए उसने एम्बुलेंस को पहले पुतली घर पर बुलाया, फिर तोड़फोड़ और आग लगाने की धमकी देकर उसे 2 घंटे तक रोक कर रखा। बात यहीं पर आकर खत्म नहीं हुई। परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों से एम्बुलेंस में ही महिला को ऑक्सीजन भी लगवाई और ड्राइवर दीपक को अस्पताल नहीं जाने दिया। दरअसल आरती के पति सुनील ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन बीती रात 11 बजे से वो लगातार गुहार लगा रहा था कि घर पर एम्बुलेंस आ जाए तो उसे अस्पताल में एडमिट कर दें। रात के 11 बजे से मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ और कॉल करते एम्बुलेंस 108 से बोल देते हैं एम्बुलेंस ले जाइए। अटेंडर बोलता है जी जा रहे हैं, और ऐसे ही करके 2-2 घंटे में मैंने कॉल किया तीन चार बार में मुझे गुमराह कर किया, रात भर गुमराह किया। और इसके साथ साथ ही मैंने ऑक्सीजन की व्यवस्था की, निजी व्यवस्था, वो व्यवस्था मैंने खरीदा, मतलब ऑक्सीजन, तो वो रात को एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से वो ऑक्सीजन भी बिजी हो गया, और अब मुझे कोई इलाज नहीं मिल रहा है कहीं भी और ना कोई ऑक्सीजन मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से एक एम्बुलेंस को बुलाया और उसको यहाँ रोका है मैंने, किस वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। हालांकि उसे ये भी पता था कि अब अस्पताल में नए मरीज को नहीं ले रहे हैं, और आज जब 108 एम्बुलेंस उसके घर पहुंची तो उसने उस एम्बुलेंस को ही बंधक बना लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे काफी समझाइश दी। वो भी कहीं से परमिशन लेके हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हम आपको हाथ छोड़ देंगे हॉस्पिटल के, इसके बाद आप जानिए आपको कहां जाना है। 108 है, बाहर पता ही नहीं कहां जाए, अस्पताल में नहीं छोड़ेंगे, अंदर छोड़ेंगे लेकिन अंदर व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। अब कम से कम इस गाड़ी में ऑक्सीजन तो है, हर पेशेंट अगर मान चल गाड़ी में दूसरे पेशेंट को कहीं अगर आवश्यकता, आपकी बात सही है, एक मिनट, आप सही कह रहे हैं, आप अगर यहाँ इलाज करवा रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था है तो हम बिल्कुल जहाँ ले जाने तैयार है। यार ये क्या बात हुई कि हम, सर ये बात, अरे कल ही आया टैंकर पूरा, टैंकर ऑक्सीजन तो है ना पूरी अस्पताल में, कल ही आया टैंकर, कल कलेक्टर ने रात को टैंकर डलवाया पूरा, कल से अभी तक ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा क्या? सही है, मेरा कहना ये है 5 टन ऑक्सीजन आया, खूब बनाया मेरे रात, अरे ऐसा बोल रहा, लोगों के 15-15 घंटे नहीं आती है, ये बड़े भैया बोल रहे थे लोगों के 15-15 घंटे नहीं। इसके बाद उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ भी हो लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि इस महामारी में लोग अपनों की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। पीड़िता के पति सुनील कुशवाहा के मुताबिक उसकी पत्नी गर्भवती है, वो बार बार एम्बुलेंस को फोन कर रहा था लेकिन 108 नहीं आ रही थी। इसके बाद अगले दिन जब एम्बुलेंस आई तो उसे रोक लिया। वहीं एम्बुलेंस अटेंडर दीपक वर्मा का कहना है कि पेशेंट को लेने आए थे लेकिन इन्होंने अपनी पत्नी को इसी में बिठा कर एम्बुलेंस को रोक लिया। इस पूरे मामले में विदिशा CSP विकास पांडे ने जानकारी दी। नगर में पेशेंट लेने गए थे हम जी, तो वहाँ पे क्या है कि पेशेंट को गाड़ी में बिठा लिया उन लोगों ने और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाने का बोला था हमने, पर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं ला रहे थे, वो बोले हमको 1100 लेके जाना है। 1100 इसलिए ले जा रहे थे कि 1100 उनके कोई डॉक्टर से बात हो गई थी उनकी, इसलिए बोले प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना चाह रहे थे। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कोई इलाज ही नहीं कर रहे अभी तो, अपना मेडिकल कॉलेज में सभी व्यवस्था है, तो बोले गाड़ी नहीं बढ़ने दे रहे थे हमको प्राइवेट ही लेके जाना था। कितने घंटे रखी गाड़ी? हमने 2 घंटे गाड़ी वहाँ खड़ी करी और गाड़ी के सामने खड़े हो गए थे और बोल रहे थे कि हम गाड़ी यहाँ से जाने दें, गाड़ी फोड़ देंगे या गाड़ी जला देंगे। गाड़ी में अगर आग चली बढ़ाई यहाँ से, ऐसे स्थिति में क्या किया आपने? हमने हमारे अधिकारी जी को बताया, ऊपर 108 के अधिकारी हमारे, तो उन्होंने बोला तो फिर डायल 100 पे बुलवाई, उन्होंने बताया कि डायल 100 को बुलवाओ जिससे कि आपको मतलब किडनैपिंग जैसी बात तो नहीं थी। एक व्यक्ति है सुनील कुशवाहा, उसने 108 में फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया
और एम्बुलेंस जब 108 आई और उनके परिवारजन को ले जाने लगी तो वह जिद करने लगा कि एम्बुलेंस को सरकारी हॉस्पिटल न ले जाके ग्यारसपुर लेके जाया जाए। तो ड्राइवर के द्वारा असमर्थता जाहिर की गई कि वह मेडिकल हॉस्पिटल ही ले जा पाएगा, ग्यारसपुर नहीं ले जा पाएंगे। इस पर से वो जिद पर अड़ गया कि नहीं, मेरा जो पेशेंट है वो ग्यारसपुर ही जाएगा और या तो फिर यहीं पर इलाज किया जाएगा। इस पर से फिर ड्राइवर ने डायल 100 को फ़ोन लगाया। मौके पर पुलिस पहुंची, उस व्यक्ति को समझाइश दी गई और फिर उसे मेडिकल को। सागर टीवी न्यूज के लिए विदिशा से राजेश रघुवंशी की रिपोर्ट। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड चटपटी चाट शेक जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स परकोटा तिराहा सागर मध्य प्रदेश।